ऑल राइट गाइस, तो आज है सैटरडे और आज मैं आप लोगों के लिए बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से एक छोटी सी वीडियो लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे डेरेक लंसफोर्ड के बारे में। और रिसेंटली डेरेक अपना ये वाला बहुत ही अच्छा फिजिक अपडेट हम लोगों के साथ में शेयर करते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए कि डेरेक बहुत ही ज्यादा ह्यूज हम लोगों को नजर आ रहे हैं विद हार्ड कंडीशनिंग। और मैं इनका ये सबसे बेस्ट वर्जन देख रहा हूँ जब से इन्होंने स्विच किया है 212 बॉडी बिल्डिंग के बजाय ओपन बॉडी बिल्डिंग डिविजन में। ओवरऑल बॉडी में इनकी बहुत ही अच्छी 3D मसल्स हमको यहाँ पर नोटिस हो रही हैं। इसके अलावा शायद आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि इस वीडियो के अंदर जो डेरेक का कोर है वो पूरी तरीके से ढका हुआ है और ना ही डेरेक यहाँ पर अपने कोर को अच्छी तरीके से फ्लेक्स कर रहे हैं। बट फिर भी गाइस, इस अपडेट के अंदर जो डेरेक के एब्स मसल्स है ना, वो एकदम बिस्किट की तरह पंप आउट हो रहे हैं। एंड भाई, आप लोग इमेजिन कीजिए कि इस समय डेरेक की जो मसल्स है ना, वो भाई कितने ज्यादा 3D शेप में है। और जो पीछे खड़ा हुआ बंदा है ना, वो भी अपने पास में एक अच्छी फिजिक कैरी करता है, बट आप लोग देखिए वो डेरेक की इस इनसेन फिजिक को बार बार देखने से अपने आप को नहीं रोक पाता। बाकी अब जैसे जैसे ओलंपिया नजदीक आता जाएगा, अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हुए हैं ओलंपिया के लिए, तो हम और भी ज्यादा खतरनाक अपडेट्स इन सारे बॉडी बिल्डर्स की तरफ से देखेंगे। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रही है अब्दुल्ला एल्तोबी की तरफ से, जो कि रिसेंटली अपने स्टूडेंट ब्रेंडन करी का करंट फिजिक अपडेट हम लोगों के साथ में शेयर करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आपके प्रीवियस ओलंपिया चैंपियन ब्रेंडन करी का जन्मदिन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इनको ढेर सारी विशेस दें। बाकी अब बात कर लेते हैं अपडेट के बारे में, तो दिस टाइम नो हेट फॉर दिस मैन। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय जो भी बॉडी बिल्डर्स ओलंपिया में कम्पीट कर रहे हैं, उन सभी में ब्रेंडन सबसे ज्यादा पुराने बॉडी बिल्डर है। लेकिन फिर भी हमने पिछले साल तक ये देखा था कि ब्रेंडन इन सारे नए जो आजकल के बॉडी बिल्डर्स हैं, उन सभी को अभी तक बहुत ही ज्यादा डोमिनेट किया है। लेकिन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अब इनकी बॉडी जवाब देने लगी है, अब इनकी फिजिक का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, जो कि कड़वा है लेकिन सच है। और इसी रीजन से हम लोग देखते हैं कि हर साल इनकी लेग्स में जो लिटिल बिट साइज है ना, वो कम होता जा रहा है। बट स्टिल गाइस, हम लोग ये भी देखते हैं कि ब्रेंडन ने ना अभी तक अपनी हार नहीं मानी। और अगर हम इनकी अपर बॉडी को अभी भी देखें, तो दोस्तों जो टॉप कॉल आउट है ना ओलंपिया का, उसको भी इनकी जो अपर बॉडी है काफी अच्छी तरीके से डोमिनेट कर रही है, क्योंकि इनकी अपर बॉडी बहुत ही ज्यादा ह्यूज, बहुत ही ज्यादा कंडीशन, और जो शोल्डर्स पर इनके इनसेन फाइबर्स निकल कर आते हैं, वो चीज इनकी बहुत ही ज्यादा इनसेन लगती है। इस अपडेट के अंदर दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्रेंडन यहाँ पर साइड बॉडीज वाले पोजेस को हिट कर रहे हैं, तो यहाँ से इनकी जो हैमस्ट्रिंग है ना, वो भी हमको बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव नजर आ रही हैं। बाकी ओलंपिया में दोस्तों इनकी क्या प्लेसिंग आएगी, ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रही है वैनकुल और कार्लोस डी ओलिवरा की तरफ से, क्योंकि कल दोस्तों ये करने वाले हैं बहुत ही बड़ा धमाका। कल ये एक प्रो शो में कम्पीट करने वाले हैं, जिसका की नाम है हरिकेन प्रो शो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ये इस वाले प्रो शो को जीत लेते हैं, तो ये क्वालिफाइड हो जाएंगे अगले साल ओलंपिया के लिए। तो गाइस, बैनक्विल और कार्लोस डी ओलिवरा दो हमारे पास बड़े ऐसे नाम है जो कि कम्पीट करने वाले हैं इस वाले प्रो शो के अंदर। एंड इसमें ट्रंक नंबर बैनक्विल का है 53 और कार्लोस डी ओलिवरा का 44। दोनों के पास में ही दोस्तों लकी नंबर्स हैं, और अब ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा कि कल होने वाले इस प्रो शो में इन दोनों में से कौन सा बॉडी बिल्डर जीतेगा मेंस फिजिक डिवीजन में। बाकी इन दोनों के लास्ट फिजिक अपडेट के बारे में बात करें, तो इसका अपडेट आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट अपडेट आ रहे हैं मुकेश गुरुजी की तरफ से, जिसमें कि वो अपनी रिसेंट वीडियो के अंदर ना रोस्ट करते हुए नजर आते हैं कसेस गुप्ता को। और कसेस गुप्ता दोस्तों वही बंदा है जो कि मोस्टली बॉडी बिल्डर्स के वर्कआउट पोस्चर में बहुत ही ज्यादा गलतियां निकालते हैं। तो आज दोस्तों बहुत ही फनी वे में मुकेश गुरुजी ने इनको रोस्ट कर दिया है, तो आप लोग इस वीडियो को भी देखिए। दोस्तों, फुल्ली पुश डाउन ये मूवमेंट गलत है, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस का भी ये मूवमेंट गलत है, डंबल किक बैक ये भी रॉन्ग मूवमेंट है, और रिवर्स डिप्स ट्राइसेप डिप्स ये भी गलत मूवमेंट है। अब सही मूवमेंट क्या है, ये जो एक महानुभाव हैं जो सबकी मूवमेंट्स को पोस्चर को गलत बताते हैं, वो आपको खुद ट्रेनिंग करके एग्जीक्यूट करके बताएंगे, मेरे ख्याल वो बेटर रहेगा। अब मैं तो पिछले 26 साल से ये गलत मूवमेंट के थ्रू ही चैंपियन तैयार करता रहा, और हजारों चैंपियन बना भी दिए, पता नहीं कुछ गॉड गिफ्ट ही रहा होगा कि गलत पोस्चर गलत मूवमेंट के साथ इतने चैंपियन बन गए। तो अगर मूवमेंट्स हमारे सही होते तो पता ही नहीं क्या ही हो जाता, तो वो शायद आपको ज़रूर अपलोड करके सही मूवमेंट बताएंगे। डेली अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करेंगे और डेली सही मूवमेंट का वीडियो खुद एग्जीक्यूट करके लगाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। तो गाइस, आज की इस वीडियो में तो इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए या पुराने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।